गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. अगर आपको याद होगा हमने चैप्टर वन पढ़ा था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे लाइक इंग्रेडिएंट्स. कुछ नए टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करे गए थे. इंग्रेडिएंट्स आर व्हाट? रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड दैट आर प्रेजेंट इन अ फूड. ओके, हमने ये सब पढ़ा था. इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, इजंट इट? और हमने फूड चेन भी कवर करी थी. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, इन विच यू नो आई वॉन्ट टू टेल यू कि हम कॉम्पोनेंट्स किसे बोलते हैं. तो उसके लिए आपको ये जरूरी है कि आपको न्यूट्रिएंट पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट क्या होता है. राइट, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के लिए, एंड हमारे अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो कुछ अच्छा हमारी बॉडी के लिए हमें देते हैं. दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. दे आर रिक्वायर्ड बाय आर बॉडी फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. तो अगर हम कॉम्पोनेंट्स की बात करें, ठीक है, जो हम कुछ भी खाते हैं, आपने अपने फूड हैबिट्स देखी होंगी, हम एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, अदरवाइज वी बी बोर्ड, है ना. और आपको वो जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की वो फुलफिल नहीं कर पाएगा. तो आपने देखा होगा ब्रेकफास्ट में यू हैव समथिंग, लंच में कुछ और होता है, डिनर में कुछ और हम खाना प्रेफर करते हैं, इजंट इट? शाम में स्नैक्स होते हैं तो वो भी कुछ और ही होता है. तो वैरायटी होती है. तो इसका पर्पस क्या है? एक तो ये है कि हम बोर नहीं होते, दूसरी चीज ये है कि वी गेट डिफरेंट डिफरेंट यू नो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स. तो हम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करें तो वन इज यू नो कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स ये हम क्यों खाते हैं? बिकॉज दे गिव अस एनर्जी. ओके, अनदर इज फैट्स, थर्ड वन प्रोटीन्स, फोर्थ विटामिन्स एंड मिनरल्स, राइट, एंड फिफ्थ इज डाइटरी फाइबर्स. And sixth is, you know, water. Although water is, you know, a component, but it is not classified as a nutrient, right? Carbohydrates की carbohydrates अगर आप देखें तो हम अभी वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, but initially आपको पढ़ाया जा रहा है carbohydrates, starch, okay, and sugar, okay. अनदर फैट्स. अब इन दोनों का जो है सेम फंक्शन है. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का जो है इसको हम बोलते हैं दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स. दे गिव अस एनर्जी, एनर्जी गिविंग फूड्स. आपकी डाइट में अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको ऑब्वियसली एनर्जी नहीं मिल पाएगी उतनी. जो हमें एक सेटिस्फैक्शन वाला फैक्टर आता है खाना खा के, आपने देखा होगा लंच में डिनर में हम यूजुअली चपाती, ओके, रोटी और राइस, इस पर हम ज्यादा रिलाई करते हैं, तभी जाके हमारा पेट भरता है, इजंट इट? ऐसे ही प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को हमने आपने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा होगा, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ओके, तो प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. फूड्स सच एज यू नो प्रोटीन्स, दे आर यू नो मेजर स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स ऑफ बॉडी. सो दे आर यू नो रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ यू नो एग्जिस्टिंग टिश्यूज इन द बॉडी. आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ नए सेल्स बनते रहते हैं, टिश्यूज बनते रहते हैं, कुछ कुछ बनता है, कुछ जो है कुछ डेड हो जाते हैं. तो उसकी फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दे हेल्प इन मसल बिल्डिंग. और विटामिन्स एंड मिनरल्स दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिव फूड. इनको हमें जो है बहुत उसमें अमाउंट हमें नहीं चाहिए होता खाने के लिए, लेकिन जितना भी अमाउंट होता है इनका वो बहुत हमारे लिए एसेंशियल होता है. दैट इज वाई विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस. बहुत ही
वैसे खतरनाक टाइप की डिजीजेस हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स पे अपना ध्यान नहीं दे रहे। ओके, एंड डाइटरी फाइबर्स वो आप जानते ही हैं बच्चों, फाइबर्स कहते हैं ना, फाइबर रिच फूड खाइए अदरवाइज वन कैन सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो फाइबर्स भी दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। इतना सब कुछ आपकी बुक में इतना डिटेलिंग नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जैसे आपने एप्पल खाया, पेयर खाया, इन सब में सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। और इनसॉल्युबल फाइबर्स कौन से होते हैं, जैसे बीट में हो गया, आपने बाजरा खाया, इन सब में इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं विच हेल्प्स इन यू नो पासिंग योर स्टूल इजिली। और अगर कोई इनसॉल्युबल फाइबर कम खा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप जो है यू वन कैन सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ओके, जिसमें बहुत ही हार्ड स्टूल हो जाता है। एंड वाटर वी नो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना, तो हमारे सेल्स जो है बने हुए वो मेजर पोर्शन जो है वो उसमें वाटर ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट से। इसमें हमारा मेन अभी आज का फोकस ये है कि आप टेस्ट सीख जाएं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, आपने देखा होगा अपनी बुक में, सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगी, आपने अपनी बुक को देखा होगा अगर अच्छे से, तो आपकी बुक में बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स दी हुई हैं ऑन सोर्सेज ऑफ यू नो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, है ना, ये सभी क्यों दी हुई है। ये लिख के भी बताया जा सकता था कि दिस इज प्रेजेंट, है ना, दिस इज द यू नो अमंग द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों दिए, क्योंकि आपको जो आप पिक्चर्स देखते हैं वो आपको ज़्यादा आपके दिमाग में फीड हो जाती हैं, बहुत लॉन्गर टाइम के लिए आपके दिमाग में रिटेन हो सकती हैं। और जो आप जितना टेक्स्ट देखते हैं वो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो वंस यू विल सी द पिक्चर्स केयरफुली, ओके, तभी डायग्राम भी अगर आप बनाएंगे इनके तो आपको दिमाग याद रह जाएगा बहुत टाइम के लिए, अच्छा हमने कार्बोहाइड्रेट का डायग्राम बनाया था, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसमें ये चीज़ें हमने बनाई थी, यू विल रिमेंबर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद यू नो कार्बोहाइड्रेट्स, और जिसमें आप जानते हैं हमने क्लासिफाई किया है स्टार्च और शुगर हम पढ़ेंगे। तो स्टार्च में आप देखेंगे बुक में तो वीट दिया हुआ है ना, राइस है, बाजरा, ये सारे स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है, ये दे गिव अस स्टार्च। ओके, ऐसे ही शुगर की अगर आप बात करेंगे, इतने सारे फ्रूट्स होते हैं, दे गिव अस शुगर, ये नेचुरल शुगर होती है एंड इट इज नॉट इवन इनफैक्ट हार्मफुल। आप फ्रूट्स खाइए, उसमें कोई आपको इतना कोई ऐसा हार्म नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप प्रोसेस्ड शुगर खाएंगे, रिफाइंड शुगर खाएंगे तो इट्स गोइंग टू हार्म अस, है ना। तो जैसे मैंगो है, मेलन है, आजकल मेलन भी आ रहा है और अब मैंगो का भी टाइम आ गया है, पपाया, एवरी टाइम आपको पपाया मिल जाएगा, है ना, शुगर केन है, ये सब क्या है, ये सारे एप्पल है, इन सबसे हमें शुगर्स मिलती हैं। ओके, तो स्टार्च और शुगर का आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपने देखा होगा, आपने तीन टेस्ट हमें दिए हुए हैं, है ना, इस बुक में आपके सिक्स्थ के लेवल के लिए थ्री टेस्ट। तो थ्री टेस्ट दिए हुए हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये थ्री टेस्ट ही क्यों दिए हैं, आपको विटामिन मिनरल्स का क्यों नहीं करा रहे, बिकॉज उसके लिए थोड़ी सी टेस्टिंग डिफिकल्ट है। अभी आपके लिए हमने सिर्फ सिलेक्ट किया है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स में हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, देन फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो लेट्स कम टू स्टार्च, उसके लिए आपको पढ़ने के लिए थ्री केमिकल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, वो आपको आने चाहिए, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, एंड दिस विल बी शोन टू यू इन लैब आल्सो। ओके, ऑल द टेस्ट दैट हैव बीन यू नो देयर इन योर बुक आर गोइंग टू बी डेमोंस्ट्रेटेड इन द लैब। तो फर्स्ट टेस्ट के लिए अगर हम केमिकल्स की बात करें तो वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन में आपको वाटर ऐड करना है तो आपको क्या मिलेगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मिलेगा आयोडीन का। ओके, तो ये एक रिएजेंट है, ये केमिकल है जो हम किसके लिए टेस्ट करेंगे, फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए टेस्ट करने के लिए जो आप केमिकल यूज करेंगे विल बी व्हाट, आयोडीन सॉल्यूशन। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं किस तरह से हम स्टार्च टेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा ये क्या है। तो उसके लिए आप देखिए, या तो आप रॉ भी सोर्स ले सकते हैं काबो स्टार्च की, या फिर आप कैसे भी सोर्स ले लीजिए, और आपको ये देखना है कि वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट और नॉट, रॉ हो सकता है, कुक्ड हो सकता है, कैसे भी। तो उसमें आप सपोज आपने राइस लिए, ओके, और उस ऐसी राइस जिसमें आपने कुक्ड राइस जिसमें आपने वाटर स्ट्रेन नहीं किया है, ओके, थोड़े से आपने राइस लिए, उसको मैश किया, ओके,
राइस को मैश किया, उसमें आपने क्या डाल दिया, यू एडेड आयोडीन सोल्यूशन। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कितना 2 to 3 ड्रॉप्स ही आपने अगर डाल दी, यू विल सी अ चेंज इन कलर। और कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक। कैसा कलर आता है, ब्लू ब्लैक इज अ शेड ऑफ ब्लू, जो कि ना आपको ब्लू लगेगा प्रॉपर, ना ब्लैक लगेगा, तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो जाता है। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ऐसे ही हम लोग बहुत कॉमनली जो फूड आइटम लिया जाता है, आपने पोटैटो ले लिया सपोज करिए, आपने पोटैटो रॉ पोटैटो आप कुक्ड नहीं, आपने उसको कट किया, ओके, एंड यू एडेड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, तो आपको क्या मिलेगा, उस जहां पे आपने वो ड्रॉप की डाली थी, तो वो कैसी हो जाएगी, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर आप ये उस पर करना चाहेंगे एप्पल पे, या आप सोच रहे हैं कि हम ये किसी और फूड आइटम पे करें जिसमें स्टार्च नहीं है, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन विल नॉट चेंज। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टेस्ट इज फॉर यू नो प्रोटीन। प्रोटीन्स का टेस्ट है कैसे हम करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले 2 रिएजेंट्स चाहिए, कॉपर प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन्स का हम टेस्ट कैसे करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके चिल्ड्रन, ये लैब्स में भी मिल जाता है और आप ऐसे भी बना सकते हैं। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर, बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल ब्लू कलर होता है इसका, जैसे आपने सर्फ का देखा होगा, ओके, या रिन जो डिटर्जेंट केक आता है उसका आप देखेंगे तो वैसा ही ऑलमोस्ट कलर किसका होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। इसको हम कैसे बना सकते हैं, आप कॉपर सल्फेट लीजिए 2 ग्राम, ओके, और 100 ml वाटर में आप 2 ग्राम ले लीजिए कॉपर सल्फेट, इसको हम फॉर्मूला होता है इसको CuSO4, और आप 100 ml वाटर में आप इसको मिक्स कर लीजिए। सो यू विल ऑब्टेन व्हाट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हिच विल बी यू नो वेरी लाइट ब्लू इन कलर। ऐसे ही कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ये कॉस्टिक सोडा आप कैसे बनाएंगे, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा इन 100 ml वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ml वाटर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं प्रोटीन का टेस्ट कैसा होता है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आप जो है प्रोटीन की आप कोई भी सोर्स ले सकते हैं, सपोज आपने पनीर लिया, वाटर लिया, वो सॉरी मिल्क लिया, तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। प्रोटीन को क्या करना है आपको, थोड़ा सा पनीर को आपको क्या करना है, सपोज आपने पनीर लिया, उसको मैश किया और किस में डाला, ये टेस्ट ट्यूब होता है बच्चों, ओके, आपने थोड़ा सा क्या डाला, पनीर डाला, और उसमें फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें 2 रिएजेंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं वो हमें डालने हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आप इसमें पनीर भी ले सकते हैं, और आप इसमें क्या और ले सकते हैं, आप इसमें मिल्क भी ले सकते हैं, मिल्क भी बहुत ब्यूटीफुल बहुत अच्छा कलर देता है इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने पनीर लिया उसको थोड़ा सा वाटर में मिक्स करके उसको शेक कर लीजिए बिल्कुल मैश करके, और उसके बाद आप उसमें 2 ड्रॉप्स डालिए किसके, कॉपर सल्फेट के, जो हमने अभी फर्स्ट रिएजेंट पढ़ा था, कॉपर सल्फेट के वी एडेड 2 ड्रॉप्स, राइट, और उसके बाद हमने क्या डाला, हमने एक और अभी रिएजेंट पढ़ा था कॉस्टिक सोडा, 10 ड्रॉप्स डाली हमने उसमें किसकी, कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की 10 ड्रॉप्स, किसकी, कॉस्टिक सोडा, ओके, थोड़ा सा शेक करिए आप, ओके, और उसके बाद आप क्या देखेंगे, वायलेट कलर विल अपीयर। कैसा, वायलेट, वायलेट पर्पल कलर सा आपको आ जाएगा, बहुत ब्यूटीफुल कलर दिखता है ये, और टेस्ट भी इजीली हो जाता है, तो वायलेट कलर विल अपीयर। दिस इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन। इससे हमें पता क्या चलता है कि प्रोटीन इज प्रेजेंट। अगर सेम चीज आप ये सेम टेस्ट अगर आप कोई भी स्टार्च वाले कंपोनेंट के लिए करेंगे या शुगरी कंपोनेंट के लिए करेंगे, यू विल नॉट ऑब्टेन वायलेट कलर।
यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज इन कलर. जब कलर चेंज होता है इसका इंडिकेशन क्या होता है कि रिएक्शन हुआ है. ओके, जो जिस चीज के लिए आप टेस्ट कर रहे थे वो कंफर्मेटरी टेस्ट आपको दिख पा रहा है कि हाँ ये दिस इज प्रेजेंट, राइट. ऐसी टेस्ट फॉर फैट्स, ये बच्चों बहुत इजी है. फैट्स के लिए आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपकी यू नो बुक में गिवन है. आप अपना बुक से भी पढ़ सकते हैं और ये वीडियो लेक्चर्स ये सब भी आप देख सकते हैं आराम से. एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. नाउ टेस्ट फॉर फैट्स. फैट्स हमें पता है कि फैट्स, ऐसा नहीं कि फैट्स सारे फैट्स बहुत खतरनाक होते हैं और हमें वो खाने नहीं चाहिए. कुछ फैट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स, जितने भी आप सनफ्लावर सीड्स और जितने भी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं ऑयल्स, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं. ओके, गुड फॉर हेल्थ. और जैसे बादाम हो गया, आलमंड और वॉलनट्स, ये सब क्या है, इसमें बहुत हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, राइट, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ. लेकिन कुछ ऐसे फैट्स होते हैं विच आर सैचुरेटेड और जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं. लाइक कोई भी ऐसा, जैसे आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड फैट, मैं आपको बता सकती हूँ, वनस्पति घी. ओके, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है एंड इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड. तो फैट्स में भी देखिए दो क्लासिफिकेशन है, हेल्दी फैट भी होते हैं और अनहेल्दी फैट्स भी होते हैं. बट देयर लिमिट शुड बी, यू नो, देयर इनटेक शुड बी लिमिटेड. यानी आप बहुत एक्सेस में खा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पता है कि फैट्स गिव्स अस डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स. अगर कार्बोहाइड्रेट आपने कुछ अमाउंट खाया, उतना ही आपने फैट्स का भी कंज्यूम किया, तो फैट्स आपको कितना अमाउंट देंगे, कितनी एनर्जी देंगे, टू टाइम्स. तो इसीलिए फैट्स की चीज़ें खाने से पहले अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, नो हार्म, लेकिन उसके साथ हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. ओके, यानी खाया, पराठे खाए, ये सब खाए एंड नाउ यू नो बस एक जगह बैठे हैं वॉचिंग टीवी. सो दिस हैबिट शुड बी कर्व्ड. तो हम बच्चों पढ़ते हैं टेस्ट फॉर फैट्स. इसमें भी आपको करना है, यू हैव टू टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. ओके, एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर. आपने कुछ भी, सपोज पराठा बना, कुछ भी बना, ओके, आपने कोई फूड आइटम जो घर में बना है, आपने उसको पेपर में रैप कर लिया एंड क्रश इट. ओके, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर. पेपर नहीं फट जाए जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं, है ना. अभी आपके पास ब्लॉटिंग पेपर तो होगा नहीं लैब्स में, जैसा होता है आपने कोई भी फूड आइटम लिया उसको आपने क्रश कर लिया. ओके, बाय फोल्डिंग द पेपर. तो क्रश इट मींस दैट फूड आइटम दैट यू आर टेस्टिंग. उसके बाद आप देखेंगे जब आप फूड आइटम हटाएंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, यू विल, इफ यू आर फाइंडिंग एन ऑयली पैच, अगर आपको कोई ऐसा ऑयली पैच सा दिख रहा है और अगर आप उसको बाहर लेके जाएं और सनलाइट के सामने आप अगर देखें उसको, तो क्या होगा, द पेपर विल टर्न ट्रांसलूसेंट. आपको, आप स्लाइटली उससे पार्शली देख सकते हैं उसके अक्रॉस. सो दिस इज एक्चुअली द टेस्ट फॉर फैट्स, कि हम कहेंगे कि इसमें फैट प्रेजेंट है, इस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है. सो चिल्ड्रन, दिस इज